नमस्कार, हरे कृष्णा। अक्सर आपने लोगों को देखा है कि वो परेशान रहते हैं कि शनि जो है उनके ऊपर भारी चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको कैसे अंदाज़ा लगा कि शनि उन पर भारी चल रहा है। अक्सर वो लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, कहीं चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, या घर में कहीं ज़्यादा टूट फूट हो रही है, तो सबको ये लगता है कि भाई शनि हमारा भारी है और उसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर नुकसान के पीछे या कोई भी ऐसी घटना जो आप नहीं चाहते थे, अगर वो हो गई तो उसके पीछे शनि देव ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप घर बैठे बगैर किसी से पूछे आप आसानी से जान सकते हैं कि शनि देव की आप पे कृपा हो रही है या शनि देव आपके साथ कोई न्याय कर रहे हैं आपको कष्ट पहुंचा के। बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। शनि देव जब भी भारी होते हैं किसी पे भी हो, तो सबसे पहले उनका असर होता है फेफड़ों पर। आपको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, या फिर खांसी शुरू हो सकती है आपको। इसके अलावा गले में खराश रह सकती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि आपके जोड़ों में पेन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। ये भी शनि देव के रुष्ट होने का एक कारण है। इसके अलावा आपके सिर में डैंड्रफ, या फिर जिसे आप कह सकते हैं डैंड्रफ और या फंगस होने लगता है, वो भी एक तरीके से शनि देव की वार्निंग होती है कि अब आपको सुधर जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हमें पता ही नहीं होता है कि भाई आखिर शनि देव आपसे चाहते क्या हैं। बहुत सीधा और सरल उपाय है, जब भी शनि देव की दशा आपको लगे कि आपके ऊपर भारी चल रहे हैं, तो पहली चीज आपको जो करनी है, आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर आप तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई भी ऐसा नशा जो आप अक्सर करते हों, उसको आप तत्काल प्रभाव से रोक दें, क्योंकि शनि देव इससे ज़्यादा रुष्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की कि आखिर शनि देव अगर रुष्ट हैं, ये बात आपको पता लग चुकी है, तो आप उनसे उनके प्रकोप से बचें कैसे। एक तो मैं आपको और सुधार दूं, मेरे मुंह से निकल गया कि शनि देव का प्रकोप, शनि देव का कोई प्रकोप नहीं होता है, वो न्याय के देवता होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो उसका रिजल्ट देते हैं। जैसे साल भर आपने किसी इम्तहान की तैयारी की, अब आपने कैसी तैयारी की, किस तरीके से तैयारी की, उसका जो रिजल्ट आएगा वही समझ लीजिए जीवन में भी जिस तरह की आपके घटनाएं चल रही होती हैं उसका परिणाम शनि देव महाराज देते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जहां तक संभव हो सुबह शाम दोनों वक्त कर लें। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप एक वक्त भी सुबह या शाम अपना चुन लें, उस वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकालें, आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। एक और उपाय है, वो बहुत आसान है। आप जब सुबह नहाने के लिए जाएं, तो उसमें दो बूंद गाय का दूध मिला लें और उसी जल से आप स्नान कर लें। इसके अलावा एक और उपाय है, वो तो आप राह चलते भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको नीम के पत्ते दिखें, आप 4-5 पत्ते आराम से तोड़िए, उन्हें चबाते हुए आराम से खा जाइए उन्हें पूरी तरीके से। इससे भी शनि देव की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। वैसे तो आप और भी उपाय कर सकते हैं, काले कुत्ते को बिस्किट भी लोग खिलाते हैं, ठीक है, कंबल बांटते हैं, छाता बांटते हैं। आप ये जो उपाय अभी आपको बताए गए हैं, ये एकदम आसान
और इनमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। तो अब आप जब जान चुके हैं कि शनिदेव की आप पर कृपा है या शनिदेव आपके साथ न्याय कर रहे हैं और आपको वो कोई सज़ा या कोई चीज़ ऐसी मुकर्रर कर रहे हैं, वो चीज़ आपको पता हो गई, अब उनके प्रभाव को कम करने का जो उपाय मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ। आप नीम के पत्ते खा सकते हैं, कच्चे चबा जाइए उनको। उसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह और शाम। अगर सुबह शाम न कर सकें तो एक टाइम तो आप पाठ कर ही लें। शनिवार के दिन अगर हो सके, वक्त आपके पास हो, तो आप सुंदर कांड का पाठ कर लें। अगर वक्त नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव अकारण एक तो किसी को परेशान करते नहीं हैं, और अगर आप उनकी हल्की सी भी आराधना कर लेंगे, उनकी शांति को उपाय कर लेंगे, तो वो आपको सब अच्छा अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आपका समय भी नहीं लगना है और सबसे बड़ी चीज़ पैसे भी नहीं लगने हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा।